बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सामारी शालकोट यूट्यूब चैनल पे आपको फिर जाना वो खुश आमदीद कहते हैं सब दोस्तों। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं बैट पकड़ने का तरीका और खड़ा होने का स्टाइल जो है वो टेप बॉल में। वैसे तो हार्ड बॉल में आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टिप्स वगैरह या मतलब वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगी। तो बहुत से दोस्त जो है ना वो मैसेज कर रहे थे यूट्यूब पर, तो वो कह रहे थे कि जो है ना वो आप बैट पकड़ने का तरीका बताएँ। तो उसकी वजह से जो है ना वो मैं आज फ्री था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चले दोस्तों को जो है ना वो एक इन्फॉर्मेटिव जो है ना थोड़ी सी वीडियो जो है ना उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो खड़े होने का स्टाइल के बारे में बताएंगे। हर एक बैट्समैन का जो है ना वो अपना स्टाइल होता है खड़े होने का, मतलब आप कोशिश करें कि आप अपने स्टाइल को जो है ना वही अपनाएं, बजाय कि आप दूसरे को कॉपी करेंगे तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। जैसे आप कंफर्टेबल समझते हैं अपने आप को, कोशिश करें कि विकेट से थोड़ा सा जो है ना वो आगे खड़े हों। अगर आप विकेट के साथ जो है ना वो खड़े होंगे तो आप मिसाल के तौर पर बैक फुट पे जाते हैं तो आपके हिट विकेट के भी चांसेज होंगे। तो कोशिश करें कि विकेट से थोड़ा सा आगे खड़े हों, जैसे मर्जी खड़े हो सकते हैं आप, ऐसे ही खड़े हो जाएँ या जो भी बैट रख सकते हैं, ठीक है, वो आपकी जो है ना वो अपनी चॉइस है। इसके बाद जो है ना वो बैट पकड़ने का जो है ना वो क्या कहते हैं तरीका आपको बताते हैं। जैसे मैं बैट पकड़ता हूँ वो ये होता है, मतलब कोशिश करता हूँ मैं कि जो है ना वो ऊपर से पकड़ूँ इधर से जो है ना बैट को, क्योंकि इससे जो है ना वो हिट जो है ना वो समझ लें कि ज़्यादा लॉन्ग जाती है। अगर आप इधर से भी पकड़ेंगे नीचे से भी तो वो भी जो है ना वो सही रहेगा, लेकिन अपना अपना अंदाज़ा मैंने पहले भी बताया कि जैसे आप जो है ना वो कम्फर्टेबल समझें आपको खुद को, वैसा जो है ना वो तरीका अपनाएं। ज़्यादातर जो है ना वो टेबल में बॉटम हैंड जो है ना यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे आपका ये वाला जो हाथ है इसकी पकड़ बहुत मजबूती से होनी चाहिए। अगर आप इसको ढीला पकड़ेंगे तो बॉलर अगर तेज़ आएगा तो आपका जो ये बॉटम हैंड है ना वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपकी शॉट जो है ना वो लंबी नहीं जाएगी, बाउंड्री के पार नहीं जाएगी। तो सबसे पहले तो ये है ना कि आपका बॉटम हैंड जो है ना आपने जो है ना उसको मजबूती से पकड़ना। उसके बाद आपका ये हैंड आ जाता है, इसको भी आप कोशिश करें कि टेबल में जो है ना मजबूती से पकड़ें। अगर आप इसको भी ढीला पकड़ेंगे तो ये भी जो है ना वो अफेक्टिव होगा। तो कोशिश करें इनमें गैप ना हो, इनमें ज़्यादा गैप होगा तो वो भी जो है ना वो ज़्यादा जो है ना अफेक्टिव नहीं होगा। तो कोशिश करें कि इनको जो है ना वो ऐसे दोनों को जो है ना एक साथ जो है ना वो पकड़ें। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि दोस्तों तक जो है ना वो पैगाम जाए, कोई जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन है वो दोस्तों तक भी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे, वो इससे सीखें। तो दोबारा जो है ना उसामा शालकोट के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इंशाल्लाह जो है ना मैं आपके लिए हाज़िर होता रहूँगा। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप उसको जो है ना वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वीडियोज़ को देखें। अल्लाह हाफिज़।